और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया एक रोमांचक मुकाबला यह दूसरा T20 मुकाबला, जहां आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे की टीम को 20 रनों की दरकार थी, वहीं आखिरी ओवर कराने आए एंजेलो मैथ्यूज। और यहां पर एंजेलो मैथ्यूज की पहली ही गेंद पर ल्यूक जोंगवे ने शानदार शॉट खेलकर यहां पर 6 रन बटोरे, और साथ ही साथ एंजेलो मैथ्यूज की यह गेंद नो बॉल भी हो गई। अब एंजेलो मैथ्यूज की यह बड़ी गलती के बाद जिम्बाब्वे को चाहिए थे 6 गेंदों पर 13 रन, और श्रीलंका के डगआउट का माहौल तो देखिए। वहीं एंजेलो मैथ्यूज द्वारा एक बार फिर से यह ओवर की पहली गेंद कराई गई, यह फ्री हिट गेंद पर एक बार फिर से ल्यूक जोंगवे ने शानदार शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, और अब चाहिए थे 5 गेंद पर 9 रन। अब यहां पर जिम्बाब्वे की टीम के पास श्रीलंका को ऑफसेट देने का एक शानदार मौका था, और अगली ही गेंद पर एक बार फिर से ल्यूक जोंगवे ने शानदार शॉट खेला और यहां पर एक बार फिर से 6 रन मिले। अब चाहिए थे 4 गेंद पर 3 रन, अब भी कुछ हो सकता था क्योंकि अगली गेंद डॉट हुई और उसके अगली गेंद पर मात्र 1 रन आया और कैच भी छूटा। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर यहां पर मदादे ने शानदार शॉट खेला और यह 6 रन मिले, और इसी के साथ श्रीलंका को इस मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 4 विकेटों से मात दी। याद रखा जाएगा यह श्रीलंका के लिए बड़ा अपसेट, और यह याद रखा जाएगा यह जिम्बाब्वे की शानदार जीत यह ल्यूक जोंगवे की 12 गेंदों पर 25 रन की शानदार पारी।